ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस दुनिया की एक बेहतरीन सीक्रेट एजेंसी है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप बड़े से बड़े मुल्क की अखबारें न्यूज चैनल उठाकर देख लें, आपको इस एजेंसी की तारीफ ही मिलेगी। इससे पहले मैंने अपनी कई वीडियोस में ISI के कामयाब ऑपरेशंस को कवर किया जो अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर किए गए, और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है। दुनिया की तमाम अफवाज और सीक्रेट एजेंसी से कोई ना कोई गलतियां ज़रूर होती हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक बार जब लाइव न्यूज़ चैनल में अमेरिकन सहाफ़ी ने परवेज़ मुशर्रफ से सवाल किया कि ISI तो दुनिया की बेहतरीन सीक्रेट एजेंसी है, तो इसे उसामा बिन लादेन के बारे में पता क्यों न चल सके। इसी तरह दुनिया की हर सीक्रेट एजेंसी से भी मिस्टेक्स होती हैं। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI से भी कुछ गलतियां हुई, और आज हम इन्हीं गलतियों, ISI के फेलियर्स और ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो ISI के नाक के नीचे हुए और ISI को पता भी ना चला। 1971 वार। इस जंग में सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ही नहीं बल्कि ISI की बुरी कारकर्दगी भी सामने आई। यहाँ बात जोश, हिम्मत और जज्बे की नहीं, या इस बात की भी नहीं कि पाकिस्तान के कुछ अपने लोगों ने गद्दारी की, बल्कि यहाँ बात हो रही है फैक्ट्स और फिगर्स की। एंड फैक्ट इज़ दैट कि पाकिस्तान 1971 की जंग हार गया। पाकिस्तान का एक पूरा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया, और ये ISI के लिए एक बड़ी नाकामी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत यही चाहता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाए, और भारत अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसी तरह ये पूरा इंसिडेंट ISI के लिए एक बड़ी नाकामी थी। अल्ताफ हुसैन, MQM और रॉ। 24 जून 2015 में मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर देखने को मिली, और वो खबर ये थी कि पाकिस्तानी सियासी जमात MQM को इंडियन सीक्रेट एजेंसी रॉ फंडिंग करती है, और ये जमात एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में मुलविस है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ताफ हुसैन को भारत सपोर्ट करता था ताकि MQM कराची पर कंट्रोल जमाए रखे, और जो भी भारत कहे अल्ताफ हुसैन वैसा ही करे। ये पूरी साजिश पाकिस्तान ISI के सामने होती रही, और ISI को कानो कान खबर भी ना हुई। अब यहाँ एक बात और भी गौर तलब है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ISI ने तमाम मामलात देखते हुए भी इसे इग्नोर किया ताकि कुछ और मकासद पूरे हो सकें, या ये भी पॉसिबल है कि ISI को रॉ की गई फंडिंग के बारे में कानो कान खबर भी ना हुई हो। मैरियट होटल अटैक। सन 2008 में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर सबसे फेमस होटल यानी मैरियट होटल में एक धमाका हुआ। बारूद से भरा हुआ ट्रक मैरियट होटल में आन घुसा, और एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में तकरीबन 54 लोग हलाक हो गए। इन हलाक होने वाले लोगों में 5 गैर मुल्की भी शामिल थे। मैरियट होटल का वाकया दुनिया के तमाम मीडिया पर उछाला गया, सिर्फ इसलिए कि होटल के इतराफ़ में तमाम ममालिक की एम्बेसीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिप्लोमेटिक ऑफिसेज मौजूद थे। ये वाकया भी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस था। आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर इंसिडेंट। सन 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 लोगों ने APS पिशावर में घुसकर APS के मासूम बच्चों को यरगमाल बना लिया। इन दहशतगर्दों में से 1 का ताल्लुक चीचनिया, 3 का ताल्लुक अरब और 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इन दहशतगर्दों ने स्कूल में मौजूद बच्चों और टीचर्स पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 149 लोगों की मौत वाकिया हो गई, जिनमें 132 तो सिर्फ बच्चे थे। SSG की क्विक रिस्पांस टीम ने फौरी एक्शन लिया, और 6 के 6 दहशतगर्दों को हलाक करते हुए 950 लोगों को बाजियाब करवा लिया। अब यहाँ सवाल ये था कि ये गैर मुल्की दहशतगर्द इतने बारूद और असलहे के साथ पाकिस्तान में घुसे कैसे? ये इतने असलहे के साथ पाकिस्तान आर्मी के स्कूल तक पहुँचे और फिर अंदर दाखिल भी हुए। ये इंसिडेंट भी पाकिस्तान ISI के फेलियर्स में से एक है। जनरल ज़ियाउल हक प्लेन क्रैश। सन 1998 में उस वक्त के पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए। इस जहाज़ में जनरल ज़ियाउल हक के साथ एक अमेरिकन सफ़ीर राफेल, अमेरिकन जनरल हर्बर्ट और पाकिस्तानी क्र्यू भी शामिल था। इस हादसे का पूरा इल्ज़ाम अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA पर लगाया गया, जो किसी हद तक ठीक भी था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात इंतहाई हैरान कन थी, वो ये कि इस हादसे की खबर ISI के पास पहले से मौजूद थी।
उस वक्त के ISI मेजर आमिर ने डॉक्टर शाहिद महमूद को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया। प्लेन क्रैश हुआ तो आप ISI में थे? हमें ISI में था। आपको पहले पता था कि प्लेन क्रैश होने वाला है? जी, मैंने 17 जुलाई 1987 को रिपोर्ट भेजी थी, तो ये रिपोर्ट मैं DG के पास लेकर गया था। आपके पास क्या खबर है कि ज़ियाउल हक़ साहब को एक साल के अंदर मार दिया जाएगा? एक साल नहीं था, क्या बस इन द नियर फ्यूचर। इनके मुताबिक ये मालूमात पहले से ISI को मिल चुकी थी, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस लीक इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया गया। और ये भी ISI के फेलियर्स में से एक है। उसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान। मीडिया और बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद था, जिस पर अमेरिका ने ऑपरेशन किया, और इसके बारे में तो आप सब यकीनन जानते ही हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ उसामा बिन लादेन के बारे में क्या कहते हैं, आप खुद सुन लें। Now one thing I am 500% sure is about myself. Nobody has to tell me that. I didn't know it. So for 2 years he was there and I didn't know it. So now you never heard a single rumor or whisper that he might be? Not at all. And is it possible that the intelligence agencies were hiding from me? No, that is not possible, because I was the army chief also. And the ISI, the intelligence agencies, are manned mainly officered by military, army, navy, or for mainly army. And they have all, most of them have associations with me. So if somebody was hiding on top, somebody below in the second, third tier would have come and told me. So this is not possible at all. Parvez Musharraf ke mutabik Pakistan army ya ISI ko is baat ki bilkul bhi khabar nahi thi ke Usama Pakistan mein maujood tha. तो यहाँ भी ISI पर एक सवाल उठता है कि एक तो उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद था और दूसरा पाकिस्तान मिलिट्री के ऐन करीब। उसामा ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद पाक आर्मी के एक ब्रिगेडियर उसामा खालिद पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने अमेरिकन CIA को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मौजूद है, और अमेरिका ने इसके बदले ब्रिगेडियर उसामा को $25 मिलियन से नवाजा और इन्हें इनकी फैमिली समेत बरतानिया की नेशनलिटी भी दिलवाई। लेकिन CIA ने इस इल्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया। ये मामला ख़राब तब हुआ जब इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये बताया। And yet it was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. It was ISI which gave the initial location through the phone connection. इमरान खान के मुताबिक ISI ने ही अमेरिकन CIA को बताया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मौजूद है, लेकिन उस वक्त के DG ISI जनरल पाशा ने भी यही कहा कि ISI को उसामा बिन लादेन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब यहाँ दोनों बातों में तजाद है, सच क्या है और झूठ क्या है, दो अलग अलग सूरतें हैं, और इन दोनों सूरतों में ISI का फेलियर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।